अभी जो सीजन चेंज हो रहा है इसमें आप सीजनल फूड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, स्पेशली जितने भी फिल्टर फूड्स हैं, जैसे फिल्टर शुगर है, फिल्टर सॉल्ट है, फिल्टर चीजें जैसे मैदे से बनी हुई चीजें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग के लिए। ये सराय काले खां से जो महारानी बाग की तरफ रोड आता है, न्यू फ्लाईओवर बना है, हम उस तरफ है। यहाँ से हम आश्रम की तरफ जाते हैं। यहाँ एक गेट लगा है, सनराइज हॉस्पिटल। आप इस गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, विच इज कॉल्ड सनराइज हॉस्पिटल। बहुत पास है मेन रोड से। यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। और ये हमारा हॉस्पिटल है, सनराइज हॉस्पिटल। यहाँ पर अपना अगला ब्लॉग शूट करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। आज हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल कालिंदी कॉलोनी, जो कि पड़ता है महारानी बाग से बहुत पास में, कालिंदी कॉलोनी में। आइए हम अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये है सनराइज हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया कम वेटिंग एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट्स के और रिलेटिव्स के बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर सारे लोग वेट कर सकते हैं और साथ में रिसेप्शन भी है। कोई भी डॉक्टर्स के लिए आपको कॉल होगी तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। जानते हैं सनराइज हॉस्पिटल में ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है और अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलते हैं। तो आप मिलते हैं भैया से। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश है। उमेश जी सर, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है? सर, हमारे यहाँ टाइमिंग ओपीडीज के होते हैं 9 से 5 के बीच में होते हैं। ओके। और हम वॉक इन या टेलीफोनिक दोनों तरीके से हम पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं। ओपीडी कर सकते हैं हमारे सनराइज हॉस्पिटल के लैंडलाइन फोन नंबर पे, जिसका नंबर है 4882 4 times 0। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं सनराइजर्स हॉस्पिटल की फार्मेसी से। ये फार्मेसी एरिया है सनराइजर्स डॉक्टर का। कोई अल्ट्रासाउंड के लिए वेट तो नहीं कर रहा? ये हमारे फार्मेसिस्ट हैं। भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद राव है सर। हमारे चीज है सर, हमारे पास मोस्टली गायने से रिलेटेड मेडिसिन है और बच्चों से रिलेटेड, हार्मोन्स रिलेटेड। ओके सर, आपकी टाइमिंग क्या है आपकी फार्मेसी की? कब से कब तक? फार्मेसी टाइमिंग है 8 से 8। 8 से 8 तक। अगर रात में किसी को दवाई लेनी हो तो आपके नर्सेज अवेलेबल रहती हैं, वो करवा देती हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सनराइज हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम। तो दोस्तों, ये सनराइज हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम है, बहुत साफ सुथरा और प्रॉपर मशीन इक्विपमेंट्स के साथ में। ये देख सकते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ में यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको फीमेल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। हम आपको दिखाते हैं पीडियाट्रिक्स रूम। ये पीडियाट्रिक्स रूम है, यहाँ पर बच्चों के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की डॉक्टर अवेलेबल होती हैं। इस रूम में आपको किसी भी टाइप के बच्चों को परेशानी है, बीमारी है, वो आप यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। ये सनराइज हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक रूम है। तो दोस्तों, ये है गायनी रूम, यहाँ पे गायनी डॉक्टर बैठती हैं। और ये है मेमोग्राफी रूम। आप देखिए, यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं, इसे मेमोग्राफी होती है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी टेस्ट कराने हैं तो आप सनराइज हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, सनराइज हॉस्पिटल में आप अभी हम खड़े हैं एक्सरे रूम में। ये एक्सरे रूम है, एक्सरे के इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे की फिल्म प्रिंट करने के लिए मशीन्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। तो जिस किसी को भी एक्सरे कराना हो वो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम आ चुके हैं डाइटिशियन मैम के पास में। मैम, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ऑफ कोर्स, माय नेम इज डाइटिशियन दीपक एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम अ सनराइज हॉस्पिटल कालिंदी कॉलोनी।
आजकल की लाइफ में लोगों को हेल्थ इश्यूज खाने की वजह से बहुत सारे चल रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को, कुछ टिप्स देना चाहेंगी? अभी जो सीजन चेंज हो रहा है इसमें आप सीजनल फूड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, स्पेशली जितने भी फिल्टर फूड्स हैं, जैसे फिल्टर शुगर, फिल्टर सॉल्ट, फिल्टर चीजें, जैसे मैदे से बनी हुई चीजें, भटूरे, छोले, ये सब कम है। ज्यादा ऑयली चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो इनडाइजेशन क्रिएट करता है। आपके स्टमक को अभी रिलैक्स चाहिए होता है इस टाइम पे, जहाँ सीजन चेंज हो रहा है, हमारे गट बैक्टीरिया को प्रमोट करने की जरूरत है। यू टेक अ प्रोबायोटिक्स स्पेशली। ओके मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों मिलते हैं सनराइज हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन से। हम अभी खड़े हैं सनराइज हॉस्पिटल की लैब में। हाय, क्या नाम है? मैं अमित कुमार, कैसे हूं? अमित कुमार, मैं यहां पे लैब टेक्नीशियन हूं, और यहां पे हमारे ब्लड सैंपल वगैरह यहां पे कलेक्शन वगैरह हम कर लेते हैं, और इन हाउस में हम सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, एचआईवी, एचपीसी, एससीवी ब्लड ग्रुप वगैरह कर लेते हैं। अमित जी, जो भी टेस्ट आपको करते हैं उसकी रिपोर्ट्स कब तक मिल जाती है? रिपोर्ट देखिए ना, उसमें हम सीबीसी वगैरह मतलब एक घंटे में दे देते हैं, और एचआईवी, एचपीसी, एससीवी मतलब सर्जरी वाले जो टेस्ट होते हैं, हाँ जी, हम मतलब विद इन वन आवर्स दे देते हैं। ओके, लाइक एचआईवी, एचपीसी, एससीवी, पीटीएनआर, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर वगैरह। ओके, बहुत जल्दी आप दे देते हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में मिल रही है। थैंक यू बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। तो दोस्तों एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है एक अच्छा कमरा मिल जाए, मुझे फैसिलिटीज मिल जाए, क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल मुझे दे रहा है। तो सनराइज हॉस्पिटल के पेशेंट रूम में हम आपको दिखाते हैं क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो दोस्तों देखिए, यह है सनराइज हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम्स। यहाँ पर आपको एक अच्छा इंटीरियर देखने को मिलेगा, यहाँ पे सोफा मिलेगा, यहाँ पे आपको पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। सनराइज हॉस्पिटल में आपको मिलेगा एमआरडी रूम, सनराइज हॉस्पिटल में आपको आईसीयूज मिलेंगे, और सनराइज हॉस्पिटल में आपको एनआईसीयू भी मिलेंगे, ताकि आपको हर टाइप की फैसिलिटी, हर टाइप के ट्रीटमेंट एक ही जगह पर मिल सकें। वो है सनराइज हॉस्पिटल। सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं हम, यहाँ हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं सनराइज हॉस्पिटल। आपको आईवीएफ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। आपको अगर इस टाइप के कोई भी ट्रीटमेंट्स चाहिए, आईवीएफ से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप सनराइज हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ पे एलडीआर रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप डिलीवरीज कराते हैं, और डिलीवरीज के बाद रिकवरी के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल रूम आपके लिए अवेलेबल है।